हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु सिंह एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि पहला ब्लॉग ऐसे डाइजेस्ट कर लो, सेकंड वाले में आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डिलीवर यू द बेस्ट। तो आई एम हियर विद माय सेकंड एपिसोड, और जाओ और एंजॉय करो, और पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, भूलो मत। कीप वॉचिंग। नायगांव की खूबसूरती है, नायगांव में रहने के फायदे हैं। इतनी सुबह सुनी, इतनी शानदार सुबह होती है, और यहाँ से ना सूरज भी निकलता है, तो ईस्ट है ये, और यहीं से सूरज निकलता है, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा दिन होता है मेरा, बेहतरीन। गुड मॉर्निंग गाइस, अब चलो सेट पे चलते हैं। तो यार मैं अभी जा रहा हूँ, पूरा निकल गया हूँ सेट की तरफ। अभी यार मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा तो लेट हो ही गया हूँ। 7 की शिफ्ट थी मेरी और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। सो यार दिस इज आवर मेकअप रूम, मतलब मेरा और अजय भाई का मेकअप रूम आप लोग शेयर करते हैं। हम लोगों का मालूम कौन गया था, हम लोग तो यहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे। हाँ। ए टकले कबे, तू गया था ना, सच्ची बोल। ये ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आएगा? गजब। डायर भी साथ घर छोड़कर तब वार करती है, आप तो अपने घर के आदमी पर शक कर रही है, ये क्यों जाएगा? तो फिर तू गया था क्या मेरी याद में मेरे केबिन में? गजब करती, अनुभव 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 सर आए थे, वही वहां पर बैठ कर करिश्मा मैडम का इंतजार कर रहे थे, आप तो एकदम चल चल चाय पी लो चल। अरे यार अरे आराम से भिल्ला, आराम से, क्या कर रहा है? सच का रिएक्शन निकलो, सच का रिएक्शन निकलो। और ऐसा याद है, लिपसिंग भी तो मैंने, ये हाथ ना, ओके डन रेडी है। अच्छा मैं चप्पल में वैसे ही हूँ, चप्पल मैं तो यारों का क्या पूछ रहा है? नहीं ब्यूटीज चल रहा है, भयंकर राहुल भाई ने बोला है रील बनाने के लिए। मैं रील बनाता नहीं, पर राहुल भाई ने कोरियोग्राफ किया है, इसमें मैं डांस कर रहा हूँ, सेक्सी मजा आने वाला, तुम देखो। ये रील भी अपलोड करूंगा मैं, और ये तो खैर भूल किया सबसे, मुझे उनको जितना उनपे कॉन्फिडेंस होगा उससे ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस होगा अच्छा करेंगे। एग्जाम पेपर आते ही, एग्जाम पेपर आते ही मजा आया। बस क्या मेरी जान, थैंक्स। ये रील बना है, रील भी अपलोड करूंगा, और बीटीएस तो हुआ ही है, तो मजा आएगा। राहुल भाई रेडी है? राहुल भाई सुनो तो, अरे क्या कैसा, और कुछ बोलो मेरे बीटीएस के लिए, मेरे व्लॉग के लिए बोलो। राजेश्वर इतिहास लिखता नहीं, इतिहास अब बनाता है। हसीना मलिक, टीआरपी बढ़ी है, हम लोग वॉक पे आए हुए हैं कुछ। यार मैं ना हर 2 मिनट के बाद से मेरे को ऐसा याद आ रहा है, नया नया ब्लॉगिंग वाला चस्का है ना, हाँ, ऐसा हाँ। लग रहा है सब कुछ रिकॉर्ड कर लूं और सब कुछ हाँ, दिखा हाँ। दूं जनता जनार्दन को। बस जब भी बाथरूम जाएगा ना तो थोड़ा सा ये फोन छोड़ के जाना। क्यों ओवर एक्साइटमेंट में तो वहाँ भी ले जाएगा अपना फोन। क्यों वहाँ पर क्या दिखता है? क्योंकि वो ब्लॉग कोई देखना नहीं चाहेगा। पर करते तो सभी है ना। हाँ तो पर देखना नहीं है ना किसी को। ये हु इज द बेस्ट, क्या ये देखो आर्टिस्ट तड़पा रहे हैं हमारे डीओपी को। कौन तंग कर रहा है इधर, सबसे अच्छा कौन आपके सिवा तो है, तुम्हारे जैसा कोई है ही नाम बोलो, नाम वीडियो रिकॉर्डर का नाम बोलो। अरे मां कसम यार, हसीना मलिक है, हसीना मलिक कौन, जरा रुक जाना, अरे काहे से पीछे पड़े पड़े ना, ले उनको। तो यार आज के लिए हो गया मेरा पैकअप, और अब हमारे शो में जो मेन डीओपी हैं, जो मेन कैमरा डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, उनके बहन की शादी है आज। मैं बहुत थका हुआ हूँ यार, मुझे नींद भी आ रही है, पर मैं मुझे लग रहा है कि मुझे शादी में जाना चाहिए।
तो ये सब मैं गाड़ी चलाते हुए रास्ते में डिसाइड करूंगा कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। सो यार दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग अभी। यार मैं अपने घर का सारा बढ़िया से टूर दूंगा। अभी मेरा घर इतना विक्रांत मैसी हो रहा है ना कि मैं बाद में बढ़िया से दिखाऊंगा। सो यार ये है मेरा पूरा लुक। मम्मी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। माँ बहुत प्रिटी लग रही हो। राहुल भाई बहुत सेक्सी लग रहे हो आप। सेक्सी लगते हो भाई। काम करेंगे प्लम्बर वगैरह पीछे पीछे जहाँ जाएंगे उसका बैग वो पानी लेने आया ना तो पानी भी जाएगा जैसा। यार यार मैं शादी में इसलिए नहीं दिखा पाया ना क्योंकि इतने लोग मैडम सर को प्यार करने वाले इतने लोग पहचानने वाले हैं कि मुझे और पुष्पा जी को काफ़ी पुष्पा जी आई हुई थी तो मुझे और पुष्पा जी को इतने लोगों ने वो कवर कर लिया ना कि आप तस्वीर क्लिक करवाओ कि यार हमें हमारे लिए टाइम नहीं मिला। मतलब हमें ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं टाइम ही नहीं मिल पाया कि हम किसी से और इंटरेक्ट कर पाए। अच्छा तो युक्ति मेरे व्लॉग में कितने यार देखो अभी ना नॉर्मल खड़की से ऐसे व्लॉग ऐसे ब्राइट खड़ी होगी ना व्लॉग है ना मैं इतनी खुश हूं तेरे लिए। आई लव यू युक्ति आई लव यू। ये क्या कर रहे हो आप लोग? हम लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं। ये तो पैर मिलाना हुआ। ये तो फिर पैर मिलाना हो गया है ना। ये नया स्टाइल है हमारा। प्रॉब्लम है तो हम ऐसे मिलते हैं। ऑडियंस भी है इधर देख रहे क्या रे हमेशा तू मच्छर है। नहीं मैं गुलगी अभी तुमने मुझे हटवाई नहीं कैसा लग रहा था। नो कमेंट। वेल स्टडी वेल थैंक यू पेरेंट्स प्राउड गुड बेस्ट यू अभी आई लव यू बाबा कोई नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। सर आप लोगों के आने के उपलक्ष में ना हम लोग ऐसे मुंबई फूड फेस्टिवल बॉम्बे व्यंजन मेला का आयोजन किया है। सर इस बात का गारंटी हम दे सकते हैं आपको अगर एक बार इस स्वाद आप चख लिया ना तो पूरा जिंदगी इसका स्वाद नहीं भूल पाएगा। सर हमारा पर्सनल लेवल पर हाँ, पूरा जिंदगी बात नहीं भूल पाएगा। यहाँ पे सर शुक्ला जी आपका एक वापस एक रिएक्शन जाएगा कि ये और एक हिंट दे रहे। तो यार एक शॉट तो मेरा ओवर हो गया और अब मैं जा रहा हूँ कमरे की तरफ। सेट वो देखो वहाँ पे जो पीछे दिख रहा है ना आपको तंबू वम्बू वहाँ पे शूटिंग चल रही थी हमारी और अभी मेरा ये शॉट हो गया तो अभी मैं जा रहा हूँ कमरे की तरफ। सेट पे सबको पता चल गया कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह शुरू किया हूँ तो सब लोग पूछ रहे हैं मेरे सर ये कैमरा किधर है तेरा। अब मैं उनको क्या बताऊँ कि हर वक्त मैं कैमरा रख सकता हूँ और रख भी रहा हूँ। ऐसे ही चलता रहेगा यार मज़ा आ रहा है। इट्स जस्ट दैट मेरे को मज़ा आ रहा है बहुत। यहाँ पे देखो ये ना ये जगह है जहाँ पे मेरी शूटिंग होती है। मैं कैसे दिखाऊँ ये देख लो तुम सारे देख लो। ये वो जगह है जहाँ पे हमारी बहुत सारे शोज़ के सेट्स है और ये इस जगह का नाम नायगांव है और ये जो प्लेस है ये मदर नेचर स्टूडियो है। तो यहाँ पे हमारी शूटिंग होती है और हम यहीं पे महीने के 26 दिन पड़े रहते हैं 14-14, 15-15 घंटों के लिए और लोग कहते हैं कि एक्टर्स की लाइफ ईजी है पर यार मज़ा है। यही चीज़ करनी है और यही चीज़ कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है और इससे ज़्यादा खुशनसीब मैं नहीं हो सकता कि जो चीज़ मैं करना चाहता था बचपन से मैं वही कर रहा हूँ। तो इट्स सो गुड फीलिंग फॉर मी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैडम सर का सेट तो यार एक खुशी की अलग ही वजह है। तो अब तुमको मैडम सर का थोड़ा सेट दिखाता हूँ। ये बाहर से थोड़ा सा वियर्ड दिखता है पर यही है मेरा एक दो एंट्री है यहाँ पे। तो एक ये एंट्री है ये जो गणपति है ना ये गुलगी को उसे किसी फैन ने दिया था तो उसने यहाँ पे चिपका दिया और ये कुछ तो है। पर मेन गेट जो मेन एंट्रेंस है वो इधर से। क्या राशन किधर जा रहा है? दिस इज द मेन एंट्रेंस और यहाँ से मेन एंट्री होती है। मैडम सर का सेट है। यार मैडम सर की एक कहानी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन मैडम सर में कैसे हुआ मैं मैडम सर ज्वाइन कैसे किया और मैडम सर शो ज्वाइन करने के बाद से एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा श्योर हो गया हूँ कि भगवान जो है ना जब रोटी बनाता है जब अनाज बनाता है ना तो उस पर खाने वाले का नाम लिख देता है।
अब चाहे आप जितनी भी कोशिश करो, अगर वो रोटी आप मतलब किसी और के प्लेट में डाल के आ जाओ, किसी और के पेट में डाल के आ जाओ, कहीं और फेंक दो, लेकिन भगवान ने अगर उस अनाज पर आपका नाम लिखा हुआ है तो वो अल्टीमेटली आपके ही पेट पर जाएगा। कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस मेरा मैडम सर शो ज्वाइन करने के बाद मुझे मिला, तो मैं बताऊंगा कि उस पूरा वो पूरी कहानी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है। दिस इज द प्लेस जहाँ से हम ऊपर जाते हैं, थोड़ी गंदी जगह है पर मज़ा है यार, मज़ा है। ये है गुलकी का रूम, ये युक्ति का रूम, दैट्स माई रूम एंड अजय जाधव रूम। दीपक डीएसपी साहब बैठे हैं, ये मेरे बड़े भाई, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बेटी की विदाई करके सो रहे हैं आप। है ना, घर में किसी की शादी वादी हो गई है, अब विदाई विदाई हो गई है, वैसे आ जाओ भाई। हाँ, अब तो कैमरे की आदत डालनी पड़ेगी यार, ब्लॉगिंग वगैरह शुरू किया ना। वाओ ग्रेट सुपर। और फिर योगा करते करते खराटे लेके सोने लगे, ये देखो। दुनिया में कोविड की लहर आई थी, ठीक उसी तरह से हमारे सेट पे रील्स और व्लॉग की लहर आई है। सुनो, हर दूसरा बंदा रील और व्लॉग का शिकार है। राइटर क्रिएटर एवरीथिंग ऑफ दिस रील, ऐसे करो सारा कॉन्सेप्ट है। वी आर जस्ट फॉलो, वी आर प्रोटेगनिस्ट, वी आर द फेस ऑफ द रील और एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय यू ओनली, राइट? ठीक है सर। द डायलॉग एंड बट द यूएसपी इज बोथ ऑफ देम। आई लाइक काम वाम छोड़ के क्या टाइम पास कर रहे हो? ये हमारा काम है। मैं बोलूं जिस तरह से दुनिया में कोविड की लहर आई थी, हमारे सिर पर ब्लॉग और रील की लहर आई है, हर दूसरा बंदा शिकार है ब्लॉग और रील, तो हम स्पेशल हटरे। गजब बेइज्जती है। हम लोगों के व्लॉग, अगर हम दोनों पूरे व्लॉग वाले वीडियो में ऐसे ही रहे अजय भाई और कुछ भी ना बोले ना, तो भी जनता देखेगी क्योंकि हम बेस्ट हैं। जनता भी वैसी जनता कैसे ब्लॉग के नंबर भी वैसी रहेगी। जैसे वो एक था ना कि किसी ने तो एक किसी एक बहुत ही नल्ले क्रिएटर ने, वो कहीं गया कहीं मिलने, किसी को बोला सर मैंने एक फिल्म लिखी है और मैंने उसमें एक्टिंग भी की है और सर मैंने उसको डायरेक्ट भी किया है और सर मैंने उसको प्रोडक्शन भी किया है और सर मैंने उसमें शूट भी किया है, सब कुछ कोरियोग्राफी भी मेरा किया हुआ है, सॉन्ग भी मैंने लिखा है, कोरियोग्राफी मैंने किया है। तो बोला देखा किसने? बोला देखा भी सर, सिर्फ मैंने ही है। तो वैसा सा सीन है, उसको ऑस्कर भी मिला है। बोले दिया कौन है? मैंने ही। अरे ब्लॉगिंग का मजा तो है। जोहेब इधर आएगा सर, अब बात मेरी क्या? नहीं नहीं जोहेब, ये बच्चे, इस बच्चे का इंट्रोडक्शन मैं अच्छे से दूंगा एक व्लॉग में। हम लोगों ने क्यों, मैंने क्यों ब्लॉगिंग शुरू की और व्लॉग क्यों बना रहा हूँ मैं, उसके पीछे एक वन ऑफ द स्ट्रांग रीजन ये है, इसका अच्छे से इंट्रोडक्शन दूंगा और अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। पिलर है ये, पिलर है ये। थ्री वो स्टार्ट में ही प्रॉब्लम है थोड़ा सा। थ्री टू वन स्टार्ट। अरे यार, मोनिका एवरीबॉडी इज डार्लिंग। बताओ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता। मस्त है सागर की, अरे शाबाश द लव बर्ड्स। तो तुमको भैंस चाहिए था? गाय गाय तो अच्छी बात है ना। ये कन्वर्सेशन सुनो, मैंने पूछा सागर कैसा है तो बोलती है बहुत गाय इंसान है, तो मैंने बोला तुमको भैंस चाहिए था तो बोलती है मुझे लोमड़ी चाहिए था। मैं भावरा हूँ। तुम पैकअप, मेरा पैकअप सच्ची। अरे 50 साल बाद पहली बार 6 बजे पैकअप हुआ मेरी 9 की शिफ्ट में। इतनी खुशी। इधर देखो पैकअप, मजा आ रहा है। हाँ तो कुछ गिफ्ट दो। ठीक है समझ गया, मिल गया मुझे गिफ्ट, मिल गया। अच्छा किया, पढ़ती अभी नहीं थे तेरे को,
चलो काम करो तो मजदूर लोग। ओके चूडल्स शर्मा मत खड़तर इधर आओ। अभी इन्होंने बोला कि सर आपकी गाड़ी मैंने बैलसेव के बाहर लगाया, बैलसेव तो बैलसेव लगा मेरे को कोई अंग्रेज नाम है, पर बैलसेव क्या होता है बताओ? बैलसेव हाँ क्या बालसेव बोला सर? बालसेव हाँ जी सर। बाल शिव हाँ, बाल शिव बाल शिव स्टार ये आ गया, फाइनली आ गया। कोविड की वजह से लोग, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, मैं यहाँ पर अक्सर आता हूँ क्योंकि यहाँ का फूड बहुत अच्छा है और ये जगह काफ़ी अच्छी है। अभी मैं सोच रहा हूँ एक बार थोड़ा सा फ्रेश वेश हो लूँ यार, अभी सेट से आने के बाद से ना ऐसे अजीब सा लग रहा है मुझे। सो हाय हाय अच्छा लग रहा हूँ मैं? क्या बोल रहे थे बोलो? सीता चतुर्वेदी। आप भी मैडम सर देखते हो, कैसा लगा आपको मेरे वीडियो का मटेरियल? है ना ऐसे जगह लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरे।